बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तमाम गरीब और मुस्तहिक ख़ानदानों के लिए हुकूमत की जानिब से एक और नई खुशखबरी सामने आ चुकी है। जिन ख़ानदानों को पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से 7,000 रुपये की इमदाद मिल चुकी है, उन घरानों को, उन तमाम गरीब और मुस्तहिक ख़ानदानों को हुकूमत की जानिब से दोबारा फिर 7,000 रुपये की इमदाद और उसके साथ 25,000 रुपये की नई किस्त देने का बहुत बड़ा अहम फैसला हो चुका है। अगर आप गरीब हैं, मुस्तहिक हैं और आप हुकूमत की जानिब से 7,000 रुपये की इमदाद के साथ 25,000 रुपये की नई किस्त हासिल करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को आपने हरगिज़ स्किप नहीं करना। आज के इस वीडियो को आपने मुकम्मल जरूर से देखना है। तो चलेगा इस वीडियो जान बढ़ते, उससे पहले आपसे शुरू से गुजारिश होती है, अगर आप इस चैनल पर नए आ चुके, नीचे आप सामने रेड कलर का आपको बटन नजर आ जाएगा, आप लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जिन खानदानों को पहले एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम या फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से 7,000 रुपए की किस्त मिली है, क्या उनको दोबारा किस्त मिलेगी या फिर जिन खानदानों को नायल कर दिया था उनको भी नई किस्त दी जाएगी। मैं आपको बता दूं, जिन खानदानों को ऑलरेडी 7,000 रुपए की नई किस्त मिल चुकी है, उन खानदानों को दोबारा फिर दूसरी किस्त देने का बहुत बड़ा अहम फैसला किया गया, लेकिन हुकूमत की जानिब से 7,000 रुपए की इमदाद के साथ 25,000 रुपए की नई किस्त भी दी जा रही है। लेकिन ये चंद ऐसे अफराद हैं जिन अफराद को 25,000 रुपए की इमदाद मिलेगी, लेकिन ये किन अफराद को मिलेगी उसके बारे में जानने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को लाजमी से ज्यादा लोगों तक आपने शेयर करना है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, हुकूमत की जानिब से नए ऐलानात जारी किए गए थे जिसमें आपको बताया गया था जब फ्लड आया था, फ्लड में काफी ऐसे लोग थे, काफी लोगों के घर बह गए थे, जिसकी वजह से हुकूमत की जानिब से 25,000 रुपए की इमदाद का ऐलान किया गया था। काफी घरानों को ये 25,000 रुपए की इमदाद मिल गई थी, लेकिन काफी घराने थे इनको इमदाद नहीं मिली थी, इसी वजह से हुकूमत की जानिब से दोबारा फिर नई किस्त के तौर पर आपको तमाम गरीब खानदानों को, नहीं जिन इलाकों में सैलाब आया उनके तमाम गरीब घरानों को 25,000 रुपए की नई किस्त दी जा रही है। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये 25,000 रुपए की इमदाद आपको भी मिलेगी तो आप गलत सोच रहे हैं, आपको नई किस्त के तौर पर 7,000 की इमदाद मिल सकती है, लेकिन आपको 25,000 रुपए की इमदाद नहीं मिलेगी। अगर आपके घर पानी की लपेट में आए हैं, आपके इलाके में सैलाब आया है, तो आपको शायद मे बी अब चांसेस हैं आपको इमदाद मिलने के। अगर आपके इलाके में सैलाब आया तो आपके लिए की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप इजीली उसको ओपन करें, ओपन करके वहां से जाकर अपनी इमदाद को चेक करके और अपनी इमदाद को किसी भी करीबी सेंटर से जाकर वसूल कर सकते हैं। तो उम्मीद मुख्तसर से अपडेट थी, मुख्तसर से अपडेट थी, आपको अच्छी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।